केरला के एक छोटे से गांव में फंस गए चार लोग, जेनी, हिमाद्री और एक फ्रेंड है। फिर उतरे थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, उसके बाद बोट चला गया। अब कोई बोट आ नहीं रहा है, लगभग एक घंटे तक कोई बोट नहीं है, कब आएगा कुछ पता नहीं। वो चार लोग देखो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। लुक, केरला के गांव में फंस गए यार चार लोग, पता नहीं अब क्या करेंगे, देखते हैं कब आएगा बोट। हालांकि गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है। फेरी से उतर के सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ पे से गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। अभी मैं हूँ एलप्पी में, कल ही मैं पहुँच गया था कल मॉर्निंग में। तो उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट करके एलप्पी में आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने होटल चेक इन किया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके और खाना खा के फिर हम लोग निकल गए फेरी राइड के लिए। तो हम लोगों ने प्राइवेट फेरी नहीं पकड़ा, बल्कि जो गवर्नमेंट वाला फेरी होता है जहाँ पर लोकल लोग जाते हैं, सिर्फ 20 रुपीज़ में दो जन हम लोगों ने लगभग 4 घंटा फेरी किया। जितने भी एलप्पी के छोटे छोटे विलेज हैं और जहाँ पे फेरी स्टॉपेज पॉइंट है, सबको कवर किया। तो वो भी आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। और ये रहा मेरा कुछ हॉस्टल, इस तरह का कुछ हॉस्टल है, मैं अपना हॉस्टल दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह का गार्डन है और कुछ इस तरह का हॉस्टल है। मेरा रूम वो है नीचे में, और आपको मैं हॉस्टल का टूर देता हूँ। इस तरह ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये रहा बाथरूम, इस तरह है बेडरूम है,
कुल मिला के 80 रुपीज़ में दो लोगों ने हम लोग लगभग कल 4 घंटा तक फेरी किया। और मेरा प्लान है कि आज कयाकी करेंगे, प्लान है कि आज मैं कयाकी करूँगा। एलपी कयाकी के लिए भी फेमस है। और किसी भी इंडिविजुअली विलेज में जाएंगे वोट लेके, फेरी वोट लेके गवर्नमेंट वाला, और उस विलेज को भी आप दिखाएंगे कितना खूबसूरत है एलपी। और ये एक बहुत शांत हॉस्टल मिला मुझे, रेट ठीक ठाक प्राइस में मुझे मिल गया, मैंने पहले ही बुक कर दिया था तो अच्छे रेट में मुझे मिल गया। सोसाइटी भी बहुत अच्छा है। अभी चर्च पे आ गए हैं, एक छोटा सा फ़िलहाल अभी आ गए एक छोटे से गांव में, एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव मिला तो हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं और एक गांव में आ गए हैं। एक छोटा सा घर है, ये मेरे साथ हिमाद्री है और ये है रूबल, ये है दिल्ली से। ये घर के बिल्कुल पीछे का भाग है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेत है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ही गुड स्टोरी टेलर, पीपल विल बिलीव यू। आई एम लाइंग राइट या ओ दिस इज योर वाटर लिलीज एंड
It's very, very healthy. Super good, man. यही है क्या? They also get the dirt in my fingers, you know. पानी जोड़ का प्यास लगा था तो यहाँ पे 20 रुपये का एक पानी का बोतल ले लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा धूप भी है तो छोटा सा पानी ले लिया जैसा है। अब यहाँ से पानी देख के अब चलते हैं थोड़ा। हम लोग टोटल 3 लोग हैं। अब नाव कोई आ नहीं रहा है। वहाँ पे देखिए पेड़ से नारियल तोड़ा जा रहा है। केरला के एक छोटे से गांव में फंस गए 4 लोग, जेनी, हिमाद्री और एक फ्रेंड है। लुक, केरला के गांव में फंस गए यार 4 लोग। पता नहीं अब क्या करेंगे, देखते हैं कब आएगा बोट। हालांकि गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे एक छोटा सा दुकान है। इस अंकल को देखिए, इन्होंने एक हंस को शिकार किया है अभी तुरंत थोड़ी देर पहले। अभी इसे लेकर जाएंगे, अभी घर पे बनाएंगे इसे। तो भाई अभी एक आइलैंड में फंस गए हम 4 लोग। फिर उतरे थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, उसके बाद बोट चला गया। अब कोई बोट आ नहीं रहा है, लगभग 1 घंटे तक कोई बोट नहीं है। कब आएगा कुछ पता नहीं। वो 4 लोग देखो यहाँ पे वेट कर रहे हैं और मैं इधर घूम रहा हूँ। देख यहीं से अभी पानी लिए थे। इस तरह का कुछ माहौल है। कंटिन्यू किनारे पे घर बना हुआ है और ये देखो एक बोट जा रहा है, हाउस बोट। वहाँ पे हमारे 3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वेट कर रही है। ये बालक किधर भी मज़े ले रहे हैं। फाइनली भाई बोट आ गया, बोट आ गया इस तरह से। अब यहाँ से चलते हैं। फिर से एक बार मुझे हम लोगों को बोट यहाँ पे उतार दिया है। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ मछली पकड़ा जा रहा है, यहाँ पे मछली पकड़ा जा रहा है और यहाँ पे इस तरह का बोट चल रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे दुकान है, फ्रूट्स के दुकान है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। देखो लोग उतर रहे हैं, फेरी से उतर रहे हैं, अपने अपने घर जाएंगे। मतलब आपको काफ़ी शांति लग रहा है। फेरी से उतर के सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ पे सेंटर था, वहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे फेरी स्टॉपेज है और यहाँ पे सब लोग उतर के अपने अपने घर गांव की तरफ। यहाँ से
भाई फाइनली एलपी के लिए फेरी मिल गया है। मैं उधर फिशिंग देख रहा था, इस तरह के स्कूल देखिए, ये बालक स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, अब सीधा निकलेंगे। ये जो अंकल देख रहे हैं यही अपने पूरे फेरी को कंट्रोल करता है कि फेरी किस तरफ जाएगा। आगे में केवल डायरेक्शन दिया जाता है और ये स्पीड को मेंटेन करते हैं ये अंकल। पानी लेके जाया जा रहा है एक गांव से दूसरे गांव। इस तरह का नज़ारा है नाइट में मेरे हॉस्टल का। वहाँ पे मेरा रूम है, ये एंट्रेंस है, ये भाई बहुत अच्छा तरीके से।